जनता से जुड़ी समस्या। आज हम आपके सामने एक ऐसी समस्या लेके आए हैं, ध्यान से जो सुनने वाली है और जनता की समस्या के प्रति सरकारी उदासीनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उदासीनता किस कदर है, आपको ये हमारे साथ घटी घटना का उदाहरण है हमारे पास। इससे कितने लोग प्रतिदिन दो चार होते हैं और समस्याओं से जूझते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। किसान जानवर पालता है और जानवर जब मर जाता है तब उसके सामने एक विकट समस्या हो जाती है। वैसे सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है प्रदेश में कि जब जानवर मर जाए तो उसका ठेका होता है, ठेकेदार उसको उठा कर ले जाता है, वह ठेकेदार उस जानवर की खाल को बेचता है, मांस को बेचता है और उससे उसको मुनाफा होता है। लेकिन जब भी किसान का जानवर मर जाता है तो ये ठेकेदार उससे 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,500 रुपये जहाँ पर जिस तरीके से पाते हैं उस तरीके से उसका दोहन करते हैं। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी। मंगलवार को मेरी एक गाय खत्म हो गई। जब गाय ख़त्म हो गई तो मैं परंपरागत रूप से गांव में जो लोग चमड़े का काम करते थे, जिनको जो किसानी करते हैं गांव में, उनकी बट्टी होती है किसका किसान कौन है, मैं उनके पास गया और पूछा भाई इसका कैसे निस्तारण होगा, तो उन्होंने हमको ठेकेदार का नंबर दे दिया। हमने ठेकेदार को फ़ोन मिलाया तो वो आया, मौके पर देख गया और देखने के बाद उसने कहा 500 रुपये दीजिए। तो हमने कहा भाई 500 रुपये किस बात के हैं, आप हमको ये बताइए। तो उसने कहा अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपका जानवर नहीं उठाएंगे। हमने पशु चिकित्सा अधिकारी बहादुरपुर से, अमेठी जनपद में ब्लॉक बहादुरपुर में हमारा घर है, तो हमने पशु चिकित्सा अधिकारी बहादुरपुर से इस संदर्भ में जानकारी जाननी चाहिए। पशु चिकित्सा अधिकारी ने हमको सूचना दी कि साहब गौशालाओं में जो गायें ख़त्म होती हैं उसको प्रधान और सेक्रेटरी अपना पैसा देके उठवा देते हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमारी समस्या का जब समाधान नहीं हुआ तो हमने जिला अधिकारी, हमने पहले जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी हैं हमारे यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, हमने उनको फ़ोन मिलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ठेकाओं का हुआ नहीं है। तो हमने कहा आप अपने अपर मुख्य अधिकारी का नंबर दे दें, हम ऑफिस में बात कर लें कि ठेकेदार कौन है। तो उन्होंने कहा मेरे पास नंबर नहीं है और हमारी बात बस यहीं से ख़त्म हो गई। फिर मैंने जिला अधिकारी कार्यालय को फ़ोन मिलाया और वहाँ से ये पता किया कि भाई हमारे साथ ऐसी समस्या है, आप हमको बताएं कि इसका समाधान कैसे होगा, कौन जिम्मेदार डिपार्टमेंट है जो मृत पशुओं का निस्तारण कराता है। उन्होंने कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। मैंने कहा मैंने तो पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर ली, उन्होंने इस तरीके से कहा, तो उन्होंने कहा फिर आप अपने खंड विकास अधिकारी के पास जाइए। मैं बहादुरपुर ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी श्रीमती सुधा सिंह के पास गया तो श्रीमती सुधा सिंह ने हमसे सीधे एक प्रश्न किया कि गाय किसकी, मैंने कहा मेरी। उन्होंने कहा दूध किसने खाया, हमने कहा दूध भी मैंने खाया, मट्ठा भी मैंने खाया, लाभांश भी मैंने पाया। वो जब बीमार थी तो हमने गांव के लोगों से मदद मांगी और उसकी सेवा की, उसका दवा दरमा जो भी कर सकते थे किया, लेकिन अब वो हमारे बस का नहीं है और गांव के लोग अब हमारे जानवर को लेके कहाँ जाएंगे। तो ये व्यवस्था आप बताइए कि कैसी व्यवस्था सरकार की है, इसका डिस्पोजल कैसे होगा। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। और मैं फिर वहाँ से फिर मैंने जिलाधिकारी कार्यालय को फ़ोन मिलाया, जिलाधिकारी कार्यालय को फ़ोन मिलाया और उनसे वीडियो साहब से बात कराई, जो भी बात हुई। फिर जिलाधिकारी कार्यालय के जो अधिकारी थे जिन्होंने हमारा फ़ोन उठाया था, उन्होंने कहा कि आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करिए। मैंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से बात की। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जानवर उठवाने का दायित्व तो सचिव का और ग्राम प्रधान का है। मैंने सचिव को फ़ोन मिलाया तो सचिव कहीं मीटिंग में व्यस्त थे, उनकी रिप्लाई आई कि अभी मैं मीटिंग में हूँ जिला मुख्यालय पर, उनसे बात नहीं हुई। हमने अपने
उप जिला अधिकारी तिलोई फाल्गुनी सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह CUG नंबर 94544-16632 तमाम बार प्रयास करने के बाद नहीं लगा। फिर मैंने मजबूर होकर जिला पंचायत प्रमुख अमेठी राजेश अग्रहरि जी को फिर तकलीफ दी और उनसे कहा कि सर हमको आप अपने कार्यालय के किसी अधिकारी का नंबर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ से ठेका वका हुआ नहीं है, हमारा कोई उसमें आप कहीं वहाँ पता कर लीजिए आप नगर पालिका जायस के ईओ को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र से मेरा कोई मतलब नहीं है, हम नगर पालिका के जिम्मेदार हैं। फिर मैंने कहीं से ढूंढ ढांढ के कई लोगों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का नंबर मुझे मिला। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए कि हमारे यहाँ वो अधिकारी अयोध्या गया है, वो कर्मचारी वहाँ गया है और हम 4 बजे के पहले किसी से बात नहीं करके आपको किसी का नंबर नहीं दे पाएंगे, आपका ठेका नहीं उठा है और हम लोग तो यहाँ कांजी हाउस में जो मर जाता है जानवर तो 1000 रुपये दे के उठवा देते हैं। तो हमने कहा भाई आप सरकारी आदमी हैं, आपके पास पैसा तमाम है, आप दे देते हैं, लेकिन हमको तो पता तो चले कि किसको कितना पैसा देना है, जो लीगल फीस वो मैं दूँ और मेरा जानवर उठे, कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है। अंततोगत्वा मैंने SDM तिलोई को फिर SMS भेजा कि हमारे सामने ये समस्या है और इसका निस्तारण कैसे होगा। जिला अधिकारी को, मुख्य विकास अधिकारी को हमने अपनी शिकायत ट्विटर पर टैग करके भेजी, लेकिन हमसे किसी अधिकारी ने रिप्लाई से फ़ोन नहीं किया। तो ये एक विकट समस्या है कि जिला पंचायत अध्यक्ष हमने चुना, हमने जिला पंचायत सदस्य चुना, हमने ग्राम प्रधान चुना, हमने अपना ग्राम पंचायत सदस्य चुना, हमने क्षेत्र पंचायत सदस्य चुना, हमने अपना विधायक चुना और सांसद चुना, बीच में एक MLC भी होता है हमारा। इतने हमारे जनप्रतिनिधि हैं और ये सरकार है हमारी, उत्तर प्रदेश सरकार है और हमारे जनप्रतिनिधि हैं और तमाम विभाग हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो महत्वपूर्ण समस्या है कि जानवर जब मर जाते हैं तो किसानों से जिसका जितना मन होता है पैसा लेता है और उसको मजबूर कर देता है, क्योंकि मरा हुआ पशु आदमी अपने दरवाजे नहीं रह सकता है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा इन बदमाशों द्वारा उठाया जाता है जिनका ठेका होता है, वो अनाप शनाप पैसा लेते हैं और हमारे सभी अधिकारी वो जो जिम्मेदार हैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस तरफ से किसानों की समस्या की तरफ से बिल्कुल अगंभीर हैं। कृपया हमारी इस सूचना को आप अधिकतर शेयर करें जिससे यह बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे और शायद जो कर्तव्यहीन अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनको ये एहसास हो कि हमें इस विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।